हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली वालों के लिए दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हो चुकी है, पक्की सरकारी नौकरी। दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 12वीं पास चाहिए। दोस्तों पोस्ट निकली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत। दोस्तों एक एडवर्टाइजमेंट इनका पहले आउट हो चुका था, दूसरा एडवर्टाइजमेंट कल आउट हुआ, यानी कि 1 जनवरी 2021 को आउट हुआ है। दोनों पोस्टों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, सारी बातें अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों पोस्ट आउट हो चुकी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दोस्तों पहले हम बात करेंगे पक्की सरकारी नौकरी के बारे में, जो कि पहले एक एडवर्टाइजमेंट आउट हो चुका है। इसमें दोस्तों 12th पास मांगा गया, पोस्ट का नाम है LDC और टाइपिस्ट, इसको ही बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। दोस्तों 12th पास के साथ-साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की। सैलरी की बात करें तो दोस्तों 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 की सैलरी मिलती है आपको, जो कि 25,000 से 30,000 इनिशियली बन जाती है। दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 27 साल। अगर दोस्तों आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल आपको सारे एज रिलैक्सेशन इसमें मिलते हैं। दोस्तों अपनी अगली पोस्ट की बात करते हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है। अगर आपको स्टेनोग्राफरी आती है तो आप इस पोस्ट को जरूर अप्लाई कर देना। 12th पास के साथ साथ दोस्तों इसमें स्टेनो की स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट की। सैलरी की बात करें दोस्तों बड़ी जबरदस्त सैलरी है, लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, क्योंकि 35,000 से 40,000 आपकी इनिशियल सैलरी बनती है। दोस्तों एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा से ज्यादा 27 साल। दोस्तों प्रॉपर सरकारी नौकरी है, सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। तो दोस्तों अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपए चार्जेस देने होंगे, और अगर आप SC ST या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपए चार्जेस देने होंगे। प्रोसेस रहेगा दोस्तों ऑनलाइन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने दूसरे एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो कि 1 जनवरी 2021 को आउट हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के थ्रू। दोस्तों पोस्ट का नाम है एसोसिएट डिजिटल मीडिया। ये दोस्तों प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, इसमें ग्रेजुएशन मांगी है मास कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं एज की, तो चाहे ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए 35 साल इसको अप्लाई करने के लिए। दोस्तों सैलरी की बात करें तो 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगर दोस्तों आप इस वाली पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि एसोसिएट डिजिटल मीडिया की पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां जाके अप्लाई कर देना। जो आप अप्लाई करोगे उसके साथ अपना एक बायोडाटा लगा के, रिज्यूमे लगा के आपको सेंड करना है इस मेल आईडी पे। और दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। जो हमारा पहले एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की तरफ से LDC और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, उसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी 2021। अब हम बात करते हैं दूसरे एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट के बारे में, तो उसकी लास्ट डेट है दोस्तों 5 जनवरी 2021। आपको वो अप्लाई करना है 5 जनवरी से पहले पहले, और पक्की सरकारी नौकरी के लिए करना है 15 जनवरी 2021 से पहले पहले। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।